हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। एक बार फिर से देश विदेश में किसान भाई जहाँ पर भी हिंदी भाषा को समझने वाले बैठे हैं, उनका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल खेती डिस्कवरी 29 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं चूहों के ऊपर, जो चूहे खेती के अंदर हमारा नुकसान कर देते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको लॉजिक बताने वाला हूँ कि चूहों को मारने का सटीक तरीका क्या है। प्रैक्टिकली और टेक्निकली मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा इस लाइन के अंदर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है पेस्टिसाइड लाइन के अंदर। किसानों के लिए बहुत गंभीर मसला होता है कि किसान बार बार दवाई डालता जाता है, लेकिन फिर भी चूहे जो है फसलों से खत्म नहीं होते। चूहे जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फसलों का है 20% जो है अनाज को नष्ट कर देते हैं। कुछ खेतों के अंदर, कुछ घरों के अंदर और कुछ जो गडाउनों के अंदर, वेयर हाउसों के अंदर सरकार का पड़ा होता है, उसको भी जो चूहे है वो नष्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सटीक जानकारी प्रैक्टिकली और टेक्निकली तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि चूहों को किस प्रकार मारा जा सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे यूट्यूब चैनल खेती डिस्कवरी 29 को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस बार झोने, जो धान होता है उसकी खड़ी बिजाई, सीधी बिजाई की है उनके लिए। क्योंकि पहले जो झोने की बिजाई कर देते थे ज़्यादातर, उसके अंदर जमीन को पूरी तरह से कद्दू कर देते थे, बहुत डूंगे तक खड़े पानी में बुआई होती थी। उसकी वजह से क्या होते थे, जो चूहों के बिल थे, जो वो अपना घर बनाते थे, आशियाना बनाते थे, वो नष्ट हो जाता था। लेकिन जो इस बार खड़ी बिजाई की है, झोने की धान जो होता है उसकी खड़ी बिजाई की, उसकी वजह से चूहे इस बार ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जो चूहे की याददाश्त होती है वो बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग होती है। ये 2 महीने तक कोई भी चीज़ को एक बार सूंघने के बाद उस दवाई को, टेक्निकल को, 2 महीने तक वो खाता नहीं है। और जो जहर खाने की वजह से इसके साथी मित्र मर गए, उसके सूंघने से ही मात्र ये पता कर लेता है कि इसमें कौन सी दवाई डाली गई, और उस दवाई को 2 महीने तक चूहे खाते नहीं है। यही बड़ा कारण है कि किसान बार बार एक ही दवाई को डालता जाता है और चूहे मरते नहीं है। फिर किसान परेशान हो जाता है कि मैंने दवाई बहुत डाल दी लेकिन चूहे मर नहीं रहे। ये बहुत बड़ा कारण है कि चूहों पे बार बार एक ही दवाई डालने से चूहे मरते नहीं है। जो चूहे डायरेक्ट एक बार में ही खा लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं, वो चूहे मर जाते हैं। लेकिन बहुत कम खाने से या सूंघने वाले चूहे कभी नहीं मरते हैं। इसे किसान को चाहिए कि एक दवा अगर वही दोबारा डालना चाहता तो कम से कम 2 महीने बाद ही डाले। 2 महीने के अंदर उस दवाई को दोबारा रिपीट ना करे, उसको उससे एक भी चूहा नहीं मरने वाला है। भारत के अंदर वैसे तो चूहों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें प्रमुख तौर पर 5 जो प्रजातियां हैं वो हैं अंधा चूहा, भूरा चूहा, नरम चमड़ी वाला चूहा, झाड़ियों वाला चूहा और खेतों की चूहिया। ये प्रमुख 5 प्रजातियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा खेतों में नुकसान करती हैं। अगर खेत के अंदर आपको कहीं टिब्बियाँ, छोटी छोटी टिब्बियाँ बनी दिखे चूहों के बिलों के ऊपर, तो समझ लेना कि अंधा चूहा, और सबसे ज़्यादा नुकसान अंधा चूहा करता है, क्योंकि इसको कुछ दिखाई नहीं देता। जिस बूटे को एक बार पकड़ लेता है उसको अच्छी तरह से वो काट के ही छोड़ता है। आपको अपने खेत में लग रहा है कि जिस जिस जगह चूहे हैं, चूहों के जो बिल बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं जहाँ से मिट्टी वो बाहर निकाली होती है, उसकी जगह क्या करें कि शाम के टाइम उस मिट्टी से अच्छी तरह उन गड्ढों को वापस बंद कर दें। अगली पैर आप सुबह आगे देखोगे तो उन गड्ढों से जहाँ पर बिल, चूहे के जो घर बने हुए हैं, वहाँ से मिट्टी दोबारा निकाली होगी। तो उसके अंदर जो करना क्या है, जो पुड़िया होती है जहर की, जो उनको मारने के लिए हम बनाएंगे, उसको 6 इंच अंदर रख देना है। ये उस दवाई के, जो पुड़िया हम जहर उसको मारने के लिए रखेंगे, उसकी खुशबू पर निर्भर करता है कि चूहे उसे खाएंगे या नहीं खाएंगे, उसके स्वाद पर निर्भर करता है। चूहे मारने के लिए खुराक बनाने का तरीका, 2 ग्राम जिंक फास्फाइड को 1 किलो गेहूं या 1 किलो बाजरा या 1 किलो मक्की या तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके 1 किलो बना ले। 20 ग्राम चीनी डाल ले। 20 ग्राम खाने वाला कोई भी ऑयल हो, जैसे नारियल का, मूंगफली का, सोयाबीन का, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद 20 से 30 ग्राम ब्रोमोडाइलोन पाउडर को किसी खुरपे या किसी लकड़ी से या हाथ में ग्लव्स चढ़ाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये ध्यान रहे कि जिंक फास्फाइड की हम जो खुराक बनाते हैं चूहे मारने के लिए, वो थोड़ी सी नमी में ही बेअसर हो जाती है। ज़्यादातर यहीं पर किसान मार खाता है कि हम दवाई को शाम के टाइम डाल के चले जाते हैं और चूहे रात को नहीं खाते। अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 से 4-5 बजे के आसपास चूहे बाहर निकल कर ज़्यादातर नुकसान करते हैं खेत के अंदर। तो इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बिलों के अंदर, जो उसके गड्ढे बने होते हैं उसके अंदर रखना चाहिए। शाम के टाइम कभी दवाई नहीं रखें, यहीं पर किसान मार खाता है। थोड़ी सी नमी पकड़ने के बाद दवाई बेअसर हो जाती है, इसलिए इसे नमी से बचाएं, गिल्लेपन पानी से बचाएं, सूखी जगह पे ताजा बना के खुराक को ही बिल के अंदर रखें, जहां पे जल्दी से पानी प्रवेश ना कर सके। तो किसान भाइयों, ये थी सबसे बढ़िया और सबसे स्टिक जानकारी। अगर इस फार्मूले से आप यूज करेंगे खेतों में दवाई, तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप चूहों का खात्मा कर सकेंगे अपने खेत के अंदर। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी आगे भी वीडियो में, जो खेतों में नुकसान होने वाला है
उसके ऊपर और खेतों में सभी सब्जियों के बारे में और फसलों के बारे में, बागवानी के बारे में भी आपसे बातचीत करता रहूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।